हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये IBO 4 का, जिसको जो कि है रोल ऑफ EDI इन बिजनेस। एग्जाम्स में ये पूछा गया था, इवन मेरे केसेस में भी जब मैंने एग्जाम दिया था तो ये मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ EDI इन बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का बिजनेस में क्या महत्व है, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। यहाँ पे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, आपको कॉमर्स की पाठशाला चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब करना है और ये जो बेल आइकन है इसे दबाना है ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मेंबरशिप का आपको एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, तो ये एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए है। जो हमारे चैनल की मेंबरशिप प्लान को लेंगे वहां पे उनको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आप अगर अभी ने आपने अगर अभी में अभी ही एडमिशन लिया है इग्नू बीकॉम या फिर एमकॉम में, जैसे कि सपोज आप अगर एमकॉम में एडमिशन लेते हो तो आप ये ज्वाइन वाला मेंबरशिप वाला बटन को आप क्लिक करके ज्वाइन आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हो, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। आपको असाइनमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको नोट्स नोट्स हमारे चैनल पे की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर आपको उन सारे नोट्स को कंसाइज वे में चाहिए, अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक एग्जाम की प्रिपरेशन करके अगर आप कर रहे हैं, देखो उन सारे नोट्स को पढ़ करके आपको टॉपिक का नॉलेज हो जाएगा, बट अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो वहां पे आपको सजेशंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहां पे आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने होंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस तरह के नोट्स अगर आपको चाहिए जिनको देख करके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सको, क्लियर कर सको क्लियरली वो एग्जाम, तो आपको यहाँ पे जो है वो बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, चाहे किसी भी तरह का सपोर्ट हो एडमिशन के लिए, फॉर्म फिलअप के लिए, किस तरीके से असाइनमेंट सबमिट करना है, असाइनमेंट को कब जमा करना है, कैसे उसका स्टेटस चेक करेंगे, मार्क्स कैसे चेक करेंगे, हर एक तरह की जानकारी, हर एक तरह का सपोर्ट जो है आपको व्हाट्सएप सपोर्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, विच इज इंक्लूडेड इन दिस पैकेज, है ना। जो भी ये मेंबरशिप प्लान है इसके अंदर ये जो है अवेलेबल है। आपको नोट्स यहाँ पे बहुत ही सस्ते दामों पे मिलेंगे, एटलीस्ट 20% 50% डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा अगर आप जल्दी ही हमारे इस प्लान को ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है ना। और ये हमारा जो एक चीज मैं और बताना चाह रहा था, यहाँ पे देखो एक प्लेलिस्ट है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर प्लेलिस्ट हमें मिल नहीं रहा कि हम स्टडी जो है एक लाइन में कर पाए, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखो एक प्लेलिस्ट है जिनको अगर आप ध्यान दोगे तो इग्नू एमकॉम के नाम से है ये। इग्नू IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7, मतलब आपका सेकंड ईयर, सारी की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, और भी मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे करके, तो आप इन सबको अगर वॉच करेंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए, जो कि होने वाला है रोल ऑफ EDI इन बिजनेस। बिजनेस में EDI का, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का क्या महत्व होता है, चलिए फिर। So it is clear therefore the EDI has an important role for business business today, linked to other important information technology and management strategies. It can assist what is now called the re-engineering of businesses process. तो जैसा कि आपको पता है कि पहले के टाइम पे ना जो सबसे बड़ी इशू थी वो यही थी कि डेटा का जो है उसको प्रोसेसिंग ठीक तरीके से हो नहीं पाता था। डेटा का प्रोसेसिंग तो छोड़िए, इवन डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में भी लोगों को दिक्कत होती थी, उसके कारण से जो ट्रेड है जो बिजनेस है वो बहुत ही स्लो चला करता था। लेकिन अभी के टाइम पे चूंकि डेटा बहुत ही सबके पास अवेलेबल है ना, तो उस चीज के कारण जो है बहुत ज्यादा बिजनेसेस जो है वो प्रोसेस कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, है ना। तो यहाँ पे रोल होता है EDI का, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का, जहाँ पे डेटा को आप प्रोसेस करके डेटा को इंटरचेंज कर रहे हो एक दूसरे के साथ, शेयर कर रहे हो, जिसका बेनिफिट जो है बिजनेस को मिल रहा है ना। और इसी का नाम दिया गया है री इंजीनियरिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस। EDI का मतलब हो गया री इंजीनियरिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस, जो तो कि EDI जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी के टाइम में, जब भी आप बिजनेस को चलाते हो, बिजनेस को मैनेज करते हो, तो है ना। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट देयर बिजनेसेस। ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकें, चला सकें। दे मस्ट ऑल्सो हैव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद देयर बिजनेस पार्टनर्स एज क्विकली एज पॉसिबल, है ना। तो हर एक पार्टनर के बारे में, बिजनेस के बारे में आपके पास जानकारी अगर होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन ले पाएंगे। तो सभी लोगों के पास बिजनेस की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोवाइड कराता है आपको EDI, है ना। सो इन्वेस्टमेंट्स have therefore been made in the systems which capture reliable sales information, distribution and inventory management system manage the flow of products to the consumer, and EDI ensures that suppliers whose performance is essential to the process receive rapid notification of schedule and order requirements, है ना। तो ये बहुत important बातें यहाँ पे बोलेंगे। देखो सबसे पहली बात तो बोलेंगे investment के बारे में कि अगर आप अच्छे तरीके से information का इस्तेमाल कर पाओगे तो आपको investment करने में भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं अभी share market में investment करता हूँ तो मेरे पास data available है कि कौन सा share कैसा काम कर रहा है, कैसा
उसका परफॉर्मेंस है तो उसके अकॉर्डिंग मैं शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। तो डेटा अगर आपके पास अवेलेबल रहेगा तो आप इन्वेस्टमेंट को भी करने में आपको आसानी होगी, है ना। अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं, आपके पास अगर सेविंग्स है, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारा टाई अप एंजल वन के साथ। आप एंजल वन में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 रुपए भी पेमेंट नहीं करना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको अकाउंट खुल जाएगा। आपको हर एक तरह की सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी, आपको डेली कॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यू नो ट्रेड करने के लिए किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, डिलीवरी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत ही अच्छा है ना। तो मैं आपको ये सारी की सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप बहुत ही आसानी से अकाउंट को अपना खोल पाएंगे, ठीक है ना। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, देखो जब इन्वेंट्री को हम मैनेज करते हैं, सपोज मेरे पास 100 सामान है, 100 में से 50 मेरे बिक गए, तो अभी मेरे पास 50 बचे हैं, तो ये चीजें, ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं रियल टाइम मैनेजमेंट को नहीं पहुंचाऊंगा तो मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो जो चीजें मुझे जरूरत है उसकी वो आपूर्ति कर पाए, है ना। तो रियल टाइम मैनेजमेंट जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको बढ़ावा देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है उसको एक तरीके से इनहेंस करने के लिए ADI का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक तरीके से बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि यहाँ पे वो जो है सप्लायर्स को एक तरीके से नोटिफिकेशन भेज देता है तुरंत कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग जो है शेड्यूल टाइम पे, अच्छे सही टाइम पे, वो जो है हमारे जो जो भी ऑर्डर के रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको पूरा कर पाते हैं। तो सोचो ईडीआई का कितना इंपॉर्टेंट एक रोल है यहाँ पे, फॉर रिटेलर्स टू बी एबल टू मीट कस्टमर डिमांड, है ना। तो रिटेलर्स जो होते हैं उनके लिए अगर उनको कस्टमर डिमांड को मीट करना है तो उनके पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, ईडीआई हैज बिकम एसेंशियल इस टाइम पे। ईडीआई जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अवेलेबल करवाता है, ताकि आप अपने कस्टमर्स को एक तरीके से लुभा पाए, कस्टमर्स को एंगेजिंग कर पाए, एंगेज कर पाए, है ना। तो ईडीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, है ना। तो ये दूसरा पैराग्राफ भी हो गया, तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। Automotive companies have set themselves the objective of delivering vehicles built to orders within 4 weeks, है ना? तो automotive companies जो होती हैं, उन्होंने एक standard set कर दिया अभी के time पे कि अगर आपको vehicle चाहिए तो आपको जो है एक हफ्ते के, 4 हफ्ते के भीतर जो है आपको एकदम कस्टमाइज व्हीकल जो आपको मिल जाएगा, है ना। तो जो भी डिलीवरी ऑफ व्हीकल होती है, फिर किस तरीके से उसको तैयार किया जाएगा, इस तरह की जो चीजें जो है, जस्ट इन टाइम की जो बात की जाती है, GIT की बात की जाती है, उस चीज में हमारा ईडीआई बहुत ज्यादा हमें हेल्प करता है, क्योंकि वो हमें रियल टाइम नोटिफिकेशन, रियल टाइम हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट। To achieve this, they need a well-managed communication with suppliers to ensure that components are delivered just in time to assembly line, है ना? तो इस चीज को अचीव करने के लिए 4 हफ्ते में अगर आपको किसी कस्टमाइज चीजें बनानी है, तो उस चीज के लिए आपको जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके पास सही टाइम पे पहुंच जाए, इसके लिए जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ईडीआई से पावर्ड होता है ना। ईडीआई के हेल्प के जरिए जो है ये चीजें पॉसिबल हो पाई है, अभी पॉसिबल है। Now, suppliers now realize that if they receive orders and work schedule via EDI, they must process them directly through their computer system and rapidly make appropriate amendments to their supplier schedule for the true benefits of EDI to be realized. You know, simple सी बात है कि ऐसा तो नहीं कि EDI आपने रख लिया और आपने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया तो आपका बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। EDI जब आप इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, जब आपने कंपनी में लगाते हो, तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि आप रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को वहां पे पुट भी कर रहे हो, तभी तो सभी लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएंगी। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है कि सप्लायर्स ने भी ये रियलाइज किया है कि अगर EDI का अगर आप फुल पोटेंशियल में अगर आपको इस्तेमाल करना है, इसका फुल ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो उस केस में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम में डालना पड़ेगा, रैपिडली उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट तरीके से उसमें जो अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, ताकि जो इसका बेनिफिट्स है, जो ट्रू बेनिफिट है EDI, वो आप वहां से उठा पाओ। दिस मीन्स दैट मैनुअल प्रोसेसिंग टाइम्स आर कट एंड आवर्स टू मिनट्स एंड दैट द मैनेजर्स मैनेज बाय एक्सेप्शन रादर देन बी ओवरवेल्म्ड विद द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच फ्लोस थ्रू द सिस्टम। तो यहां पे एक बात और भी है कि आप वही सारे इन्फॉर्मेशन डालोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो जो मैनुअल प्रोसेसिंग टाइम था, कि सपोज मैंने किसी को चिट्ठी लिखा, किसी को बोला मैंने कि भाई ऐसे काम करना है, वैसे करना है, इस पर टाइम लगता था, बट आपने एक बार कंप्यूटर में चीजों को पुट कर दिया, वो इन्फॉर्मेशन जो है सब तक पहुंच जाएगा। आपने इंट्रानेट का नाम सुना होगा, जहां पे एक कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है वाया इंट्रानेट, है ना। तो मैंने सपोज एक कंप्यूटर में इस इंफॉर्मेशन को शेयर करा, तो वो इन्फॉर्मेशन सारे कंप्यूटर्स में पहुंच गया, है ना। तो EDI के जरिए वो पॉसिबल है, तो जिसके कारण से जो काम घंटों में होता था वो काम अब मिनटों में होने लगा है। मैनेजर्स अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ, वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजिली अवेलेबल है, और जो इंपॉर्टेंट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, यहाँ पे भी EDI का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और है भी, है ना।
तो ये तीसरा चौथा पैराग्राफ था। अब चलते हैं पांचवे और आखिरी पैराग्राफ की तरफ। सो फॉर स्मॉल कंपनीज द नेट रिजल्ट विल बी अ बिजनेस व्हिच इज मोर टाइटली गियर्ड टू मीट द डिमांड्स ऑफ लार्ज कस्टमर्स। मेनी एग्जिस्टिंग यूजर्स साइट दिस एज अ मेन बेनिफिट ऑफ द ईडीआई टू देम, है ना। तो जो बहुत ही स्मॉल कंपनीज हैं उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है ईडीआई के जरिए कि वो जो है अपने कस्टमर्स को सही टाइम पे उसके डिमांड्स को पूरा कर पाते हैं। तो जब आप छोटा मोटा जो कोई कोई बिजनेस है जो कि अपने कस्टमर की सही डिमांड को सही टाइम पे पूरा कर पा रहा है तो वो बिजनेस के बढ़ने के आसार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है जो ईडीआई का किसी को मिलता है तो वो स्मॉल कंपनीज को मिलता है, छोटे प्लेयर्स को मिलता है जो कि बिजनेस करते हैं, है ना, ताकि उनको बढ़ने का मौका मिल पाए। देखो अभी के टाइम पे सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपने सामान को कितनी जल्दी डिलीवर कर रहे हो। तो जिस तरीके से सामान को डिलीवर करने में देर नहीं होनी चाहिए उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन को भी डिलीवर करने में देर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इन्फॉर्मेशन अगर सही टाइम पर डिलीवर होगा तो डेफिनेटली बिजनेस भी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगी, राइट। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो स्मॉल कंपनीज को मिलता है विद द हेल्प ऑफ ईडीआई। They feel that they can deliver the levels of service that customers demand. Their business relationships are more secure, है ना? तो उनको ऐसा लगता है definitely कि उनका जो level of service है वो बेहतर है, वो जल्दी से जल्दी जो है लोगों की demand को satisfy कर पा रहे हैं। तो उनका जो business है वो बेहतर है, वो जो है customer के साथ उनका जो relationship है वो बहुत secure है। Customer आपको छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि जब आप बोल रहे हो, जब भी आप customer आप order दे रहे हो, आप सामान तुरंत पहुंचा दे रहे हो, टाइम नहीं ले रहे हो, है ना। तो इस चीज के कारण कस्टमर और जो जो ओनर होता है, जो सेलर होता है, उसके बीच में एक तरह का रिलेशनशिप बनता है, एक बॉन्ड बनता है, जिसके जरिए जो है बिजनेस को वो लोग आगे लेकर के जा पाते हैं। दे ऑल्सो हैव इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट। यहाँ पे इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट की बात की जा रही है। ईडीआई के होने से इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट होता है ना। यहाँ पे इन्वेंट्री को ठीक तरीके से मैनेज किया जाता है, सही टाइम पे चीजें जो है प्रोसेस होता ही होती हैं, ऑर्डर्स को प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, जो इन्वॉइसिंग साइकिल है वो भी ठीक टाइम पे कम्प्लीट हो पाता है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को आप एक जगह पे सही टाइम पे रख सकते हो विथ मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, है ना। There are fewer invoices, queries resulting faster receipt of payment, है ना? तो यहाँ पे जब भी receipt of payment की बात की जाएगी तो आपको पता है कि जो सबसे issue जब जो होता है receipt of payment में वो information का ही होता है कि suppose आपने invoice कुछ भेजा, invoice में कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आपको payment भी clear नहीं हो पा रहा है। तो अगर EDI रहेगा तो हर एक information हर एक व्यक्ति तक बहुत ही आसानी से पहुंचाई जा सकती है और आपका जो पेमेंट है, जो रिसीट और पेमेंट है वो भी बहुत आसानी से हो सकता है ना। So these are the benefits of EDI and these are the role of EDI in business as well, जिसके कारण से business जो है वो thrive करता है, बहुत ही तेजी से बढ़ता है और business एक अच्छे मुकाम पे पहुंच पाता है, ठीक है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना यार, और शेयर करना मत बोलना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो। बाय बाय। थैंक यू।